नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। अम्मा और दीदी की वापसी, केरल से कांग्रेस और असम छिने, पूर्वोत्तर में बनेगी भाजपा की पहली सरकार। राज्यों के विधानसभा चुनाव की मतगणना में सबसे रोचक परिणाम पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से मिले हैं। बंगाल में जहां सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने पिछली बार से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए लगभग 3/4 बहुमत का आंकड़ा छू लिया, वहीं तमिलनाडु में तमाम एग्जिट पोल के उलट जनता ने वर्ष 1984 के बाद पहली बार किसी पार्टी को लगातार दूसरी बार सत्ता में पहुंचाया है। असम पर भाजपा का कब्जा हो गया और किसी पूर्वोत्तर राज्य में पहली बार भाजपा सत्ता हासिल करने में सफल है। दूसरी ओर असम में सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस की केरल में भी सत्ता छिन गई। वाम गठबंधन एलडीएफ को राज्य में स्पष्ट बहुमत मिला है। पुडुचेरी में जरूर कांग्रेस को राहत मिली है, जहां उसकी सरकार बनने जा रही है। जीएसटी का समर्थन करेंगी ममता बनर्जी। विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वे केंद्र के जीएसटी बिल का समर्थन करेंगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र में जीएसटी लंबे समय से लंबित है और प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि जल्दी भी पारित हो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बंगाल को श्रेष्ठ राज्य बनाने का प्रयास करूंगी। उन्होंने अपनी जीत को आम आदमी की जीत बताते हुए कहा कि खून बहाने की बात कहने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है। ममता 27 मई को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। जेल में बंद जदयू विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका खारिज। रोडरेज मामले में गया के एक युवक की हत्या के संबंध में गिरफ्तार रॉकी यादव की मां जदयू से निलंबित विधान पार्षद मनोरमा देवी की जमानत याचिका को अदालत ने गुरुवार को खारिज कर दिया। मनोरमा देवी के बेटे रॉकी की तलाश के दौरान गत 9-10 मई की रात्रि में घर से 6 शराब की बोतलें बरामद हुई थी। छापेमारी के बाद फरार चल रही मनोरमा ने 17 मई को जिले के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोम सागर की अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पाकिस्तानी नेता ने कहा, जमात और जैश से सरकार की मिली भगत। पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता और पंजाब प्रांत के कानून मंत्री राणा सनाउल्लाह ने जमात उद दावा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान सरकार की मिली भगत होने का खुलासा किया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक राणा ने एक साक्षात्कार में कहा कि इन आतंकी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि इनकी गतिविधियों में पाकिस्तान सरकार खुद शामिल है। कानून मंत्री से जब इन संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस तरह की संभावना को खारिज कर दिया। राणा ने कहा कि आप कैसे उन संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जब सरकार खुद उनकी गतिविधियों में शामिल हो। बम विस्फोट तथा गोलीबारी में 5 शांति सैनिक मारे गए। उत्तर माली में संयुक्त राष्ट्र के 5 शांति सैनिकों की मौत विस्फोट से हो गई। संयुक्त राष्ट्र के एक वक्तव्य में बताया गया कि शांति सैनिकों की गाड़ी विस्फोट की चपेट में आ गई, जिससे 5 सैनिकों की मौत के अलावा 3 घायल हो गए। कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने शांति सैनिकों की गाड़ी पर गोलीबारी भी की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।